वेलकम फ्रेंड्स, बहसियत टीचर फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव लर्निंग एक प्रोसेस होता है और एक बेहतरीन टीचर वही होता है जो पढ़ाने से पहले खुद से पढ़ ले, तैयारी कर ले। मैंने मार्केट में किसी दिन इत्तेफाक से मैं गया, मुझे वहाँ कई सारी बुक्स मिली जो कि टीचर्स गाइड के नाम से प्रिंटेड थी, मार्केट में अवेलेबल थी। बहरहाल मैंने उनका थोड़ा सा रिव्यू लिया तो मेरे अंदर थोड़ी सी एक एहसास फील हुआ कि व्हाई शुडंट आई इम्पार्ट, मुझे क्यों नहीं काम करना चाहिए इस चीज़ की बुनियाद पे कि एक क्वालिटी, एक मटेरियल। हर बंदे ने नो डाउट कि अपने तरीके से कोशिश की है। मैं मार्केट में जो प्रोडक्ट लाया हूँ स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए इवन फ़ायदे की है, वो है सेपियंस टीचर्स गाइड। सेपियंस टीचर्स गाइड ये बुक, इसके अंदर तमाम तक बेहतरीन जो है मतलब फीचर्स हैं जिसके हिसाब से मैं अगर आपको बता दूं तो बैक साइड पे मैंने बताया है कि इजी एंड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू इंग्लिश, चाहे पोएट्री है, प्रोज है या रोल प्ले का कैरेक्टर है, ये बेसिकली पूरे का पूरा जो काम किया गया है ये मैट्रिक क्लास की इंग्लिश के ऊपर किया गया है। इसके अंदर बच्चों को ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं बल्कि ये टीचर्स के लिए तो इंतहाई काम की है, क्योंकि एक्सरसाइज में जो भी चीज़ें आती हैं ना सिर्फ वो जो टेक्स्ट में पूछी गई हैं बल्कि इसके अलावा भी, यानी कि 21st सेंचुरी टीचिंग स्किल्स जो होते हैं और लर्निंग स्किल्स होते हैं उनको मद्देनज़र रख के ये काम किया गया है। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स भी इसके अंदर हैं, ढेरों सारी एक्टिविटीज़ हैं, पोइट्री पढ़ाने का तरीका, पोइट्री के अंदर जो डिक्शन यूज़ किया जाता है, टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, वो भी सारी की सारी इसके अंदर अवेलेबल है। स्टेंजा वाइज, यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप इस बुक को एक दफ़ा कंपेयर करें मार्केट के अंदर जो भी तमाम बुक्स अवेलेबल हैं तो यू वुड फाइंड अ ग्रेट डिफरेंस, आपको बड़ा मतलब इम्तियाजी फ़र्क नज़र आएगा इसमें और दूसरी बुक्स में। हर बंदा अपने तरीके से कोशिश करता है बट आई डिडंट वर्क फॉर अर्निंग। ये एक तोहफा है तमाम तर उन लर्नर्स को जो लैंग्वेज के साथ लव रखते हैं, ये तमाम तर वो टीचर्स जो लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं मगर उसके अंदर इश्यूज आते हैं उन्हें। इसके अंदर मैंने बंडल्स ऑफ एक्टिविटीज़ दी हैं जो कि टेक्स्ट के एंड के बाद में हैं आपको मिलेंगी, टेक्स्ट के स्टार्ट में आपको प्री रीडिंग एक्सरसाइजेज मिलेंगी जिसमें तलफ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन, उसके अलावा शॉर्ट वॉल्स, लॉन्ग वॉल्स और बच्चों की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनका भी मैंने फोकस्ड पॉइंट बनाकर उनको यहाँ पे दिया है ताकि टीचर्स को नो हाउ हो कि बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स कौन से हैं, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ में कौन सा मेथड कहाँ यूज़फुल रहेगा। दे ऑल आर गिवन इन इट। एक टीचर के लिए तो मैं समझता हूँ एक की बुक है कि बिफोर टीचिंग इन क्लास he has to prepare himself from this given piece of effort जो मैंने की करी है टीचर्स के लिए। और उसके अलावा इसके एंड में आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी जिसमें नाउन से लेकर मॉडल ऑक्सिलरीज आपके हो गए, वर्ब्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गई, भाई वर्ड आर्डर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, सेमेंटैक्स है, इवन मॉर्फोलॉजिकली भी मैंने इसको टच किया है। टू एरर इज ह्यूमन, इंसान खता का घर है, मुझसे ज़रूर कोई ना कोई प्रिंटिंग के हिसाब से इतना बड़ा काम किया है तो गलतियां हो गई होंगी। सारा काम मैंने कोशिश किया है कि इंग्लिश का खुद से करूं और नो डाउट इंसान गलती का घर है, मे बी कि कोई चीज़ हो इसके अंदर। आपको लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ मिलेंगी, ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे आपको, ऐसी लॉजिक्स मिलेंगी जो आपके जहन में पहले एक गुमान रही हैं, एक उम्मीद रही हैं कि शायद कि हम इनको कवर कर सकेंगे। इंशाल्लाह अज़ीज़ अगर आप इसको गो थ्रू करते हैं यू विल फाइंड इट अ लॉट ऑफ बेनिफिशियल फॉर योर किड्स, फॉर योर सेल्फ, द पीपल कंसर्न विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस बुक की ज़रूरत हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, एवरीथिंग इज़ गिवन, माई कॉन्टेक्ट नंबर इज़ गिवन, माई ई मेल आई डी इज़ गिवन, एवरीथिंग इज़ गिवन। थैंक यू सो मच।